उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की स्वाट टीम क्राइम ब्रांच और बुलंदशहर की देहात पुलिस की संयुक्त टीम ने जाहिद नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध एक पाक एजेंसी एसआई को देश की गोपनीय जानकारी भेजने का आरोप है। यह पूरा मामला बुलंदशहर का है। पुलिस मेरठ से मिले इनपुट के आधार पर काफी समय से इस मिशन पर काम कर रही थी। जाहिद की गिरफ्तारी से जांच एजेंसियों की पूरी तरह हरकत में आ गई है। पुलिस की स्पेशल टीम संदिग्ध को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ करने में लगे हुए हैं। वही पुलिस का दावा है कि जाहिद मेरठ कैंट से कुछ फोटोग्राफ पाकिस्तान भेजकर बुलंदशहर लौट रहा था। पकड़े गए आईएसआई एजेंट के पास से पुलिस ने प्रतिबंधित क्षेत्र के नक्शे, एक मोबाइल, वोटर कार्ड व आधार कार्ड बरामद बता रही है। कहाँ के रहने वाले हो? ये क्या काम करते थे अभी तक? सर मैं ऐसा कुछ काम नहीं। और क्या करते थे? सर ये मुझे कुछ पता नहीं है। पहले कभी कितनी बार गया पाजी था? पहले बारे में गया था, मेरी फिर बारे में बात नहीं थी कि वो भी रिश्तेदारों से और भी हुई थी, मुझे पता नहीं कौन थी। फिर मैं गया था 14 में मेरी बात नहीं थी, तो 14 में भी भाई जी घर में से भी थी, बाहर में से भी थी, एक एक दो दो फोन थी बाहर में से बात, और कुछ ऐसी बात नहीं हुई। बस मेरे 14 में आने के बाद जब नोटबंदी थी, जब मेरे पास एक फ़ोन आया था, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था, मोबाइल पर नो नेम लिख रहा था, तो मेरी उनसे ऐसी ही बात हुई थी कि कैसे हैं तुम और सब ठीक हो। मैंने कहा खैरियत है, यहाँ पर नोटबंदी है। खाते में 5 लाख रुपये कहाँ से आए? मेरा कोई खाता नहीं है, ना कोई मेरे 5 लाख रुपये मेरा खाता है, बस मेरी कमाई के पैसे हैं उसमें 70-80 हज़ार रुपये, 80-90 हज़ार, बस और कुछ नहीं है ऐसे मेरे पास। तुम्हारे एजेंट नहीं हूँ, मैंने कर रहा है। नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। जानकारी मिली है क्या इसने किया था अभी तक? देखिए ये अब सूचना संकलन के माध्यम से यह बात प्रकाश में आई थी कि खुर्जा नगर का रहने वाला एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में है, और वह विभिन्न दस्तावेजों को, सूचनाओं को सैन्य ठिकानों से संबंधित पाकिस्तान संप्रेषित करता है। इस सूचना पर हमारे स्वाट टीम प्रभारी विवेक शर्मा और तपेश्वर सागर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात, इन लोगों को लगाया गया। तो कल रात में यह जाहिद नाम का व्यक्ति मिला जो कि खुर्जा नगर का रहने वाला है, और इसकी तलाशी लेने पर इसके पास कुछ प्रतिबंधित दस्तावेज मिले हैं, और इसके साथ साथ जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि मैं यहां से खुफिया जानकारी लेके, सेना से संबंधित जानकारियां लेके, और मैं पाकिस्तान जो इसके संपर्क सूत्र हैं उनको संप्रेषित करता है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अभी तक यह जाहिद नाम का व्यक्ति 2 बार पाकिस्तान जा चुका है। कराची शहर में इसकी मौसी रहती है, उस माध्यम से ये संपर्क में आया है इस आईएसआई के, और ये 2 बार अभी तक यात्रा कर चुका है। पूर्व में जब गया था तो ये कुछ अपने देश के रोहतक से संबंधित कुछ सूचनाएँ इसने प्रेषित किया है वहाँ पर, और ये स्काइप कॉलिंग करता था, उसके माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी बातचीत चलती थी। जो मोबाइल इसके पास बरामद हुआ है उसके डाटा को चेक कराया जा रहा है, उसकी गहराई से जांच की जा रही है। अब भी हमारी खुफिया विभाग की टीम और हमारी इंटेलिजेंस विभाग और पुलिस सब लोग मिल के इससे विस्तृत जानकारी और पूछताछ कर रहे हैं, इसमें जारी है। मेरठ कैंट से तो लगातार संपर्क में रहा वहाँ से, और जैसा कि मैंने बताया कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं जो मेरे कैंट से भी संबंधित हैं, और भी दस्तावेज हैं, उनका परीक्षण कराया जा रहा है। खुर्जा में आना रहता था, खुर्जा ही घर है इसका वहाँ पे, और वहीं से अपना ये आता जाता रहता है। शुरुआती जांच में ये पता चल सका कि क्या कोई और भी इसके साथ इस सब में शामिल हो, मदद कर रहा हूँ? अब इसने जो नाम बताए हैं अपने साथियों के, कि इसके जो मित्र लोग हैं उनके बारे में भी गहराई से जांच की जाएगी, अगर इसमें कोई संलिप्तता उनकी पाई जाएगी तो उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।